अयोध्या में राम मंदिर जाने वालों के लिए खुशी की खबर सामने आ रही है। रामनवमी के चलते यहां मंदिर में वीवीआईपी सुविधा को कुछ समय के लिए खत्म कर दिया गया था। आज से ये सुविधा फिर से चालू कर दी गई है, यानी राम मंदिर में वीवीआईपी सुविधा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट ने रामनवमी मेले में भारी भीड़ आने की संभावना के मद्देनजर 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन और पास के माध्यम से होने वाले दर्शन पर रोक लगा दी थी। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जिन्होंने पहले से ही स्लॉट बुक कर लिए थे उनके पास भी निरस्त कर दिए गए थे। अब पास के माध्यम से दर्शन व आरती में शामिल होने की व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया गया है। ट्रस्ट ने विशिष्ट दर्शन और सुगम दर्शन की ये नई श्रेणी तय की है। इस नई श्रेणी में दर्शन की सुविधा सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दो दो घंटे के 6 अलग अलग स्लॉट में मिलती रहेगी। सुगम और विशिष्ट दर्शन के लिए हर स्टॉल में 100 पास जारी किए जाते हैं। इसमें से 20 पास ऑनलाइन बनते हैं जबकि 80 पास ट्रस्ट के माध्यम से बनाए जाते हैं। एक दिन में कुल 600 पास जारी किए जाते हैं। साथ ही रामलला की मंगला आरती, भोग और शयन आरती में शामिल होने के लिए भी पास की सुविधा है। इसके लिए हर आरती में शामिल होने के लिए 100 पास जारी किए जाते हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पास बनाए जाते हैं। राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र की माने तो रामनवमी मेले को देखते हुए बंद की गई सुगम विशिष्ट दर्शन और आरती की पास व्यवस्था शनिवार से फिर से शुरू कर दी गई है। पहले की तरह पास लेकर भक्त अब दर्शन के लिए जा सकते हैं, जो कि भक्तों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।